तो साथियों, आज हम जाने वाले हैं चित्तौड़ के किले के ऊपर, और यहाँ पर रास्ते में दिखाई दी अंबेडकर जी की मूर्ति। तो यहाँ से रास्ता प्रारंभ होता है चित्तौड़ के किले के ऊपर जाने के लिए। तो रास्ते में हमें क्या क्या दिखाई देता है, कौन कौन सी जगह हमें दिखती है, अच्छी बुरी सब तरह की बहुत अच्छा डिस्कशन होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखते रहिए, आपको बहुत ही शानदार दृश्य दिखाएंगे। चित्तौड़ के किले का पूरा रास्ता आपको दिखाएंगे और वहाँ पर जो जो है वो सभी आपको यहाँ पर एक नज़र देखने के लिए मिलेगी। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। चित्तौड़ के किले में ही रानी पद्मावती का महल है। रानी पद्मावती ने जहाँ पर जौहर किया था अन्य महिलाओं के साथ में, वो जगह भी वहीं पर है। और ये देखिए, जैन लोगों की, जैन धर्म की दादावाड़ी और मंदिर उनका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए दीवार, देखिए आप, यहीं से प्रारंभ होती है। और ये गेट देखिए, पत्थर का गेट है, राजा महाराजाओं का गेट है, बहुत ही शानदार। यहाँ से जाया करते थे लोग और आया करते थे, तो वो पूरा नज़ारा हम यहाँ पर कवर करेंगे, देखेंगे राजा महाराजाओं की जो जगह है, गेट है। और बाइक पर हम आए थे यहाँ पर, ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं बाइक के द्वारा, बाबा रामदेव के दर्शन करने के साथ साथ हमने सोचा कि चित्तौड़ के किले के ऊपर भी चलते हैं, तो आपको हम यहाँ पर चित्तौड़ के किले का नज़ारे आपको दिखाएंगे। और ये देखिए दीवारें, देखिए कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं यहाँ पर, पत्थर की दीवार देखिए, साथ में जो मंदिर बने हुए होंगे वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? और ये जो गाड़ी चला रहे हैं भाई साहब, ये देखिए धूप में कैसे इनका रंग काला हो गया। ये बहुत ही गोरे थे लेकिन इनका मुंह देखिए कैसा काला हो चुका है, और इनके मुंह में भरा है विमल, जिसके दाने दाने में है केसर का स्वाद, और ये थूकना नहीं चाहते हैं। ये बताना जरूरी है क्योंकि ये भैया को बहुत ही दिखना जरूरी है, तो इनका विमल भी हम दिखाएंगे आपको, साथ में थोड़ा सा मनोरंजन भी चलता है, अच्छा लगता है। तो भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे दृश्य। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई बंदा बैठा है जो गाड़ी चला रहा है और उसके मुंह में है विमल या फिर कोई सा भी गुटखा, ऐसी खैनी खाने वाले व्यक्ति आपके साथ रहते हैं क्या, और वो आपसे सवाल जवाब करते हैं हूँ 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 करके, आपको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए दादावाड़ी जो मंदिर है वो आपको यहाँ पर दृश्य दिखाया जा रहा है। ये जैन समुदाय का, जैन धर्म का मंदिर है, बहुत ही शानदार मंदिर है, ये पास में बना हुआ है। यहाँ से हम निकल रहे हैं, नाकोड़ा मंदिर है उस पर लिखा है, और हम जा रहे हैं किले की ओर। और ये जो आप देख रहे हैं ये मीनार, ये है विजय स्तंभ, पास से आपको दिखाते हैं, देखिए। हम सभी बाहर से दिखाएंगे, अंदर अभी नहीं जा रहे हम, क्योंकि हम बाइक पर ओनली घूमने के लिए निकले हैं।
और दोस्तों जैसे जयपुर में गुलाबी घर होते हैं, पिंक सिटी होती है, वैसे ही यहाँ पर चित्तौड़ में नीले नीले घर आपको दिखाई देंगे। देखिए सभी घर आपको यहाँ पर नीले दिखाई देंगे। और अब आपको रास्ते में दिखाई देगा बाबा रामदेव जी का मंदिर, दर्शन कर लीजिए दोस्तों। किले के ऊपर आप जब भी आएंगे तो आपको यहाँ पर ऐसे लोग दिखाई देंगे जो घोड़ा ऊंट लेकर खड़े होते हैं। आप यहाँ पर घोड़े पर बैठकर फोटो खिंचा सकते हैं, स्टंट कर सकते हैं, घोड़ा उछलता है आप मनचाहा फोटो खिंचा सकते हैं। ये देखिए भैया उछका कर दिखाएंगे आपको घोड़ा। काफी लोग यहाँ पर आते हैं, घोड़े के ऊपर बैठ कर फोटो खिंचाते हैं, यादगार साथ में लेकर जाते हैं। अभी इनके बाद में देखिए और लोग भी यहाँ पर आएंगे और घोड़े को उछकाएंगे। दोस्तों वीडियो में दिखाए गए दृश्य आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर भारत के छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों के दृश्य नज़ारे दिखाए जाते हैं, वो भी जानकारी के साथ में। आप में से कौन कौन लोग राजस्थान से हैं कमेंट करके बताइए, आप कौन से शहर से हैं और कौन यहाँ पर पहले आ चुका है वो भी कमेंट में लिखिए। कैसा लगा यहाँ पर आकर अपना अनुभव शेयर कीजिए और कौन यहाँ पर आना चाहता है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।